ओके, वेलकम टू कंप्लीट फ्रंट एंड डेवलपमेंट कोर्स। और आज के इस वीडियो में हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर बात करेंगे, वो है फॉर्म वैलिडेशन। बेसिकली ये टॉपिक इंटरव्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है और आपके सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के पर्पज से भी बहुत इंपॉर्टेंट है। एक्चुअली आप ऐसा कोई सॉफ्टवेयर है नहीं जहाँ पर आप यूजर का इन्फॉर्मेशन कलेक्ट ना करते हों। ऐसे बहुत ही, अगर होते भी हैं सॉफ्टवेयर तो वो स्टैटिक टाइप के सॉफ्टवेयर होते हैं। अगर आप डायनेमिक टाइप के सॉफ्टवेयर, एक बेस्ट सॉफ्टवेयर क्रिएट कर रहे हैं, तो आपको वहाँ पे फॉर्म बनाना ही बनाना पड़ेगा। और फॉर्म बनाना पड़ेगा तो आपको वैलिडेशन भी लगाना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि वैलिडेशन लगाने से बेनिफिट ये होता है कि हमारे पास अनवांटेड चीज़ें नहीं आती। जैसे अगर आपने यूज़र को उसका नंबर लेने के लिए एक फॉर्म बनाया और वहाँ पे उसको मैसेज दिया, इंटर योर नाम, इंटर योर नेम, इंटर योर मोबाइल नंबर, इंटर योर ईमेल, और वो कुछ भी, कोई भी सेंसलेस इन्फॉर्मेशन लिख के सेंड कर देता है, तो वो सारी अनवांटेड चीज़ें आपके डेटाबेस में जाके सेव होंगी और आपके पेज का लोड बैलेंसिंग बढ़ेगा, आपके डेटाबेस में अनवांटेड चीज़ें होंगी और इसलिए आपका साइड क्रैश होने की भी थोड़ी सी पॉसिबिलिटी होती है। तो फिलहाल इन सारी चीज़ों से, सारी दिक्कतों से कैसे बचा जाए? तो इन सारी दिक्कतों से बचने का सबसे अच्छा तरीका यह है कि आप यूजर से अनवांटेड चीज़ें लो ही नहीं, उससे सिर्फ सेंसलेस चीज़ें लीजिए, या उसका प्रॉपर नाम लीजिए, उसका ईमेल लीजिए, जिससे वो अनवांटेड आपका चीज़ें जो आपके डेटाबेस में ना आ सके। तो फिलहाल ये कंपनी के भी पर्पज से बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इंटरव्यू में मोस्टली केसेस में वैलिडेशन के काफ़ी क्वेश्चंस होते हैं और आपके सॉफ्टवेयर जो भी आप बनाएंगे, रियल वर्ल्ड सॉफ्टवेयर, उसमें भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है फॉर्म का वैलिडेशन, आप कैसे करते हैं। ओके, तो चलिए आज हम वैलिडेशन देखेंगे, फॉर्म वैलिडेशन का। मैंने एक पेज क्रिएट किया है, इसको मैं सेव करता हूँ अभिषेक मिश्रा नाम के फोल्डर के अंदर ही। ओके, फॉर्म, या फिर डायरेक्ट इसको लिख देता हूँ वैलिडेशन, और validation.html नाम से मैंने इसको सेव किया। और मैंने यहाँ पे jQuery का CDN लिंक ऑलरेडी अटैच की हुई है और मैं ऑनलाइन हूँ तो इसका सपोर्ट है मेरे पास ऑलरेडी। ओके, jQuery का ये फाइल आप भी CDN लिंक या ऑफलाइन लिंक से आप इसको अटैच कर लीजिएगा। देन हम यहाँ पे फॉर्म वैलिडेशन क्रिएट करने के लिए हमारे पास एक फॉर्म होना चाहिए। तो मैं यहाँ पे एक सिंपल सा फॉर्म बना रहा हूँ, मैं फॉर्म को डिज़ाइन नहीं कर रहा हूँ क्योंकि आपसे CSS आती है, आप ऑलरेडी फॉर्म को डिज़ाइन कर लीजिएगा। मैं आपको सिर्फ jQuery के मेथड के थ्रू फॉर्म के अंदर वैलिडेशंस रूल्स कैसे लगाते हैं, रिस्ट्रिक्शंस कैसे लगाते हैं, जिसके थ्रू आपके डेटाबेस में अनवांटेड चीज़ें ना जा सके, वो बता रहा। ओके, तो सबसे पहले मैं यहाँ पे एक लेबल लेता हूँ और लेबल में मैं सामने वाले का नाम लेना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि इंटर यूज़र नेम, आप अपना यूज़र नेम इंटर करिए, और मैसेज दिया मैंने, और यहाँ पे इनपुट टाइप ले लेता हूँ मैं टेक्स्ट। ओके, और इसका नाम अभी फ़िलहाल डेटाबेस में, हमें डेटाबेस में चीज़ें को भेजना नहीं है, अभी हम सिर्फ एग्जांपल के थ्रू समझ लेंगे कैसे आप उसको वहीं पे रोक देंगे अगर आप वो कोई अनवांटेड चीज़ डालता है तो यूज़र। ओके, तो यहाँ पे लिख देता हूँ इंटर पासवर्ड। इन फ्यूचर जब हम PHP की वीडियोस देखेंगे तो वहाँ पे हम वैलिडेशंस के साथ साथ उसको डेटाबेस को, ये जो डेटा है इंटर करेगा यूज़र फॉर्म में, उसको हम डेटाबेस में भी सबमिट करवाएंगे। पूरा का पूरा एक प्रैक्टिकल सिनेरियो ही रहेगा सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट का। अभी फिलहाल हम पार्ट बाय पार्ट चीज़ों को सीख रहे हैं। अभी हम jQuery की हेल्प से जितना भी सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट का स्ट्रक्चर है इंपॉर्टेंट वो सीख रहे हैं, आफ्टर दैट हम PHP में मूव करेंगे। ओके, सो यहाँ पे मैं इनपुट टाइप दे देता हूँ पासवर्ड, सिंपल है। ओके, और इसका नाम अभी फिलहाल मैं कुछ नहीं रखता, और मैं इसके बाद यहाँ पे इनपुट बटन दे देता हूँ और इनपुट टाइप ले लेता हूँ मैं यहाँ पे सबमिट। ओके, एक बटन क्रिएट कर लिया, और मैं चाहता हूँ कि लेबल के बाद लाइन ब्रेक हो, तो यहाँ पे मैं br टैग दे दिया। सिंपली इस br को मैं हर एक इनपुट फील्ड के नीचे पेस्ट कर देता हूँ। ओके, और इनपुट फील्ड सबमिट बटन में यहाँ पे मैं दो बार br प्रेस कर दिया। ये सिर्फ रीडेबिलिटी के हिसाब से है, आप कितना अच्छा लेआउट देना चाहते हैं। ओके, अभी हम बिल्कुल भी CSS नहीं यूज़ कर रहे हैं क्योंकि हमारा आज का पूरा फोकस रहेगा कैसे वैलिडेशन अप्लाई करते हैं फॉर्म के ऊपर। तो सिंपली मैं इसको रन करता हूँ अपने ब्राउज़र पे, तो मेरे इसका नाम है validation.html, मैं इसको ओपन करता हूँ ब्राउज़र पे। तो देखिए यहाँ पे ये फॉर्म ऑलरेडी बन चुका है, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये इंटर यूज़र नेम, इंटर पासवर्ड। ओके, सो इस वैलिडेशंस में मैं क्या करता हूँ, मैं ये लिंक रिलेशन मेरी दूसरी फाइल अटैच है, इसको मैं हटा देता हूँ और इसको मैं रिफ्रेश करता हूँ और दिखाता हूँ आपको, ये मेरा फॉर्म है, इंटर यूज़र नेम, इंटर पासवर्ड और सबमिट। ओके, सो अभी क्या होता है, अभी मैं एक वर्ड का भी अगर मैं यूज़र नेम इंटर किया, फॉर एग्जांपल ए, और पासवर्ड इंटर किया 1, और यहाँ पे मैं सबमिट कर दूंगा, देखिए ये फॉर्म सबमिट हो जा रहा है। और ये इस तरह के डेटा अनवांटेड होते हैं, हमारे लिए कोई सेंस के नहीं होते क्योंकि किसी का नाम कभी भी एक कैरेक्टर का नहीं हो सकता, कभी का पासवर्ड, किसी का भी पासवर्ड कभी भी एक कैरेक्टर का नहीं हो सकता। तो दिस इज़ अ अनवांटेड थिंग्स जो आपके डेटाबेस में फालतू की चीज़ें स्टोर होंगी, तो आप उसे सबमिट ही मत करने दीजिए जब तक वो अनवांटेड चीज़ें डाल रहा है। ओके, अनवांटेड चीज़ आपके इनपुट फील्ड में इनपुट कर रहा है। तो ये सब रिस्ट्रिक्शंस आप कैसे लगाएंगे विद द हेल्प ऑफ jQuery, वो हमारा आज का टास्क है।
तो चलते हैं अपने फाइल के ऊपर, और यहाँ पे हम बॉडी जेक्यूरी की फाइल अटैच ऑलरेडी कर ली है, और यहाँ पे हम बॉडी के नीचे स्क्रिप्ट टैग ओपन करेंगे और स्क्रिप्ट टैग क्लोज करेंगे जावास्क्रिप्ट जेक्यूरी के फंक्शंस को लिखने के लिए। ओके, अब अभी आप देख लीजिए मैंने किया क्या क्या है। तो मैंने सिंपली अभी कुछ नहीं किया, ऑलरेडी फॉर्म बनाया है, और फॉर्म बनाने के बाद जो भी करूँगा अब मैं जेक्यूरी की हेल्प से करूँगा। ओके, सो मैंने इसके लिए स्क्रिप्ट टैग ओपन किया है और स्क्रिप्ट टैग किया है क्लोज। अब मैं क्या करूँगा, अब मैं सबसे पहले अपने डॉक्यूमेंट को लोड करूंगा, क्योंकि फॉर्म तभी दिखता है जब हमारा डॉक्यूमेंट लोड हो जाता है। तो यहाँ पे मैं डॉक्यूमेंट लिखता हूँ और यहाँ पे रेडी फंक्शन कॉल करता हूँ, और रेडी फंक्शन कॉल करने के बाद यहाँ पे एक फंक्शन लगाता हूँ ओपनिंग क्लोजिंग, और कर्ली ब्रेसेस ओपन कर्ली ब्रेसेस क्लोज। ओके, आफ्टर दैट क्या करना है मुझे, मैं चाहता हूँ जब भी कोई इस सबमिट बटन में क्लिक करे, क्योंकि सबमिट तब होता है जब बंदा सामने वाला यूजर सबमिट बटन में क्लिक करता है, अदरवाइज वो कुछ भी लिखता रहे सबमिट थोड़ी ना होता है। तो सबमिट तब होगा जब यूजर सबमिट बटन में क्लिक करेगा। ओके, तो मैं इसकी एक आईडी दे देता हूँ, और इसकी आईडी दे देता हूँ सबमिट। ओके, इसका टाइप भी सबमिट है और इसकी मैंने आईडी भी सबमिट दे दी। अब मैं इस सबमिट बटन को सबसे पहले मैं सेलेक्ट करता हूँ, तो सेलेक्ट करने के लिए अपन लिखना पड़ेगा आईडी सेलेक्टर, आईडी है इसलिए हैज लगाया मैं यहाँ पे। आप सबमिट बटन में जब भी कोई सामने वाला क्लिक करेगा, मतलब वो डेटा सेंड करने की कोशिश कर रहा है, तो यहाँ पे मैं एक फंक्शन कॉल करूँगा और फंक्शन की बॉडी बनाऊँगा, क्लोजिंग करूँगा। ओके, सबसे नीचे वाला ये डॉक्यूमेंट डॉट रेडी का है, ये सबमिट बटन का है। सिंटैक्स बहुत क्लियर रखिएगा माइंड में, अदरवाइज आप पे कन्फ्यूज़ हो सकते हैं। ओके, तो जब भी इसमें क्लिक करेगा, अब हमको करना क्या है, जब भी सबमिट बटन में क्लिक करेगा कोई भी डेटा को सबमिट करने के लिए कोई भी यूज़र, तो हमें क्या करना है, इस इनपुट फील्ड में वो जो भी लिखा होगा पहले तो लिखेगा। ओके, तो इसने जो भी लिखा है और सबमिट बटन में जैसे ही क्लिक करेगा, तो सबसे पहले हमको इसकी वैल्यू गेट करनी पड़ेगी। ओके, अगर आप वैल्यू गेट नहीं करेंगे तो आप पता कैसे लगा पाएंगे कि ये डेटा अनवांटेड है कि नेसेसरी है। ओके, तो सबसे पहले आपको इस फील्ड की वैल्यू गेट करनी पड़ेगी, और वैल्यू गेट करने के बाद ही आप इनको पता कर सकते हैं कि यूज़र ने इनपुट कैसा किया है। अगर वो एक कैरेक्टर इनपुट किया होगा तो अभी सबसे पहले आपको कैरेक्टर उठाना तो पड़ेगा, तभी तो आपको पता चलेगा कि एक कैरेक्टर कभी भी नाम नहीं होता। ओके, पासवर्ड उसने सही एंटर किया है तो पासवर्ड को हम ले लेंगे, लेकिन इनपुट नेम यूज़र नेम कभी भी एक कैरेक्टर का नहीं होता, और उसने अनवांटेड चीज़ लिखी है इसलिए हम उसको वहीं पर रोक देंगे। ओके, तो ये होता है फिलहाल वैलिडेशन। तो चलते हैं कि कैसे आप करेंगे। आप सबसे पहले आप ये समझिए कि आपको इनपुट फील्ड से वैल्यू लेना है। ओके, तो वैल्यू लेने के लिए क्या है, तो इनपुट फील्ड का आपने यहाँ पे मैं आईडी दे देता हूँ इनपुट फील्ड को, इनपुट फील्ड को दे देता हूँ मैं यहाँ पे नेम को दे देता हूँ यू एन, मतलब यूज़र नेम, और पासवर्ड को दे देता हूँ मैं आईडी दे देता हूँ मैं पी एस। ओके, ध्यान समझिएगा, मैंने इनपुट फील्ड टेक्स्ट को यूज़र नेम को दिया है यू एन आईडी, और पासवर्ड को दिया है पी एस। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ कि जब भी कोई सबमिट करे तो मैं इस दोनों इनपुट फील्ड की वैल्यू गेट कर पाऊँ। तो जेक्यूरी में वैल्यू गेट करने के लिए एक मेथड है वी ए एल। ये मेथड क्या करता है, वैल्यू गेट करता है किसी भी इनपुट फील्ड से, किसी भी जो एलिमेंट जो एचटीएमएल का एलिमेंट आपने इनपुट फील्ड बनाने के लिए यूज़ किया है, जैसे हमने यूज़ किया है टेक्स्ट और पासवर्ड, हमको यहाँ से वैल्यू गेट करनी है। तो इस इनपुट फील्ड का नाम क्या है, तो इस इनपुट फील्ड का नाम है यू एन, और ये क्या है आई डी। ओके, तो यहाँ पे मैं डॉलर लिखता हूँ और आई डी सेलेक्टर यहाँ पे यूज़ करता हूँ, आई डी मतलब हैज और यू एन डॉट वैल्यू गेट। ओके, तो मैंने यहाँ पे लिखा क्या है इस कोड में कि यू एन फील्ड में जाओ और वैल्यू गेट करके ले आओ, और जो भी वैल्यू गेट करेगा उसको मैं एक वेरिएबल में स्टोर कर दूंगा। यहाँ पे जावास्क्रिप्ट में वेरिएबल बनाने के लिए वी ए आर कीवर्ड यूज़ करते हैं। ओके, और यहाँ पे वेरिएबल का नाम दे देता हूँ, वेरिएबल नाम आपको पता है बहुत ही सिंपल है, वेरिएबल नेम किसी भी नाम से आप दे सकते हैं, तो मैंने इसको यूज़र नाम से फ़िलहाल दे दिया। जो भी बंदा इनपुट करेगा इस इनपुट फील्ड में वो सिंपली यूज़र नाम के वेरिएबल के अंदर स्टोर हो जाएगा। आफ्टर दैट मेरे को पासवर्ड की वैल्यू गेट चाहिए, तो मैं यहाँ पे एक वेरिएबल बनाता हूँ पासवर्ड का, और इस पासवर्ड की जो आईडी है वो है पी एस, आप ये देख सकते हैं यहाँ पे मैंने दे के रखा है, और डॉट लगा के मैं इसकी वैल्यू गेट कर लेता हूँ। ये बेसिकली जेक्यूरी में बना हुआ प्री डिफाइंड फंक्शन है जो फॉर्म के फील्ड से वैल्यू गेट करता है। ओके, अब सबसे पहली चीज़ हमको वैलिडेशन लगानी है, अगर ये इनपुट फील्ड खाली है
ओके एम्प्टी है, तो आपको सबमिट करने नहीं देना है। जैसे देखिए अभी मैं सबमिट क्लिक कर रहा हूँ, सबमिट हो रहा है, देखिए पेज लोड हो रहा है ऊपर आप देखिएगा यहाँ पे। जैसे सबमिट में क्लिक करूँगा पेज लोड हो रहा है, मतलब एम्प्टी वैल्यू, नल वैल्यू हमारे डेटाबेस में कहीं ना कहीं जा रही है। और डेटाबेस में नल वैल्यू जा रही है मतलब अनवांटेड चीज़ जा रही है। तो सबसे पहले आपको, अगर यूज़र ने फॉर्म के फील्ड में कोई भी चीज़ें इनपुट नहीं की है तो आपको उसको एंटर ही नहीं करने देना, सबमिट ही ना हो डेटा आप ये चाहते हैं। ओके हम ये चाहते हैं, तो यहाँ पे इफ लगाते हैं और यहाँ पे चेक करते हैं क्या यूजर की वैल्यू एम्प्टी है इक्वल टू नल। ओके स्ट्रिंग है ये, आपको पता है डबल कोट के अंदर जब भी कोई भी चीज़ें नहीं लिखी जाती तो उसको नल मानी जाती है। अगर इसकी वैल्यू नल है, किसकी, यूज़र की, तो आप क्या करेंगे यहाँ पे इसको एक एरर मैसेज देंगे। और एरर मैसेज देने के लिए मैं सिंपली इसी डिव के नीचे जहाँ पे हमने इनपुट टाइप टेक्स्ट यूज किया है इसके नीचे एक डिव क्रिएट करता हूँ मैं, और इस डिव की क्लास दे देता हूँ user underscore error। ओके यूज़र एरर यहाँ पे मैं इसका क्लास दे दिया। मैं चाहता हूँ इस डिव में ये जो जस्ट इसी के नीचे बना है और जस्ट इसी के नीचे एरर मैसेज शो होना चाहिए। तो यहाँ पे मैंने इफ के अंदर, इफ के बॉडी के अंदर यहाँ पे मैं क्या करूँगा, डॉलर से कोड स्टार्ट करूँगा और यहाँ पे सेलेक्ट करूँगा इस यूज़र एरर को, और यहाँ पे मैं HTML का एक मेथड यूज़ कर लूँगा और HTML मेथड के अंदर मैं यहाँ पे एरर मैसेज दे दूँगा कि दिस यूज़र नेम, या यहाँ पे मैं लिख दूंगा यूजर नेम मस्ट बी फिल्ड। ओके यूजर नेम मस्ट, अब आप मैसेज अपने हिसाब से लिख सकते हैं जो यूजर को समझ में आना चाहिए। FILLID। ओके और यहाँ पे मैं इसको सेव कर देता हूँ, और मैं चाहता हूँ कि ये मैसेज तो दिखे लेकिन किस कलर में दिखना चाहिए, तो यहाँ पे मैं ये क्लास है इसलिए डॉट लगाना पड़ेगा, और इसी डॉट क्लास को मैं रेड कलर कर देता हूँ जिससे एरर मैसेज, मतलब क्लियरली कलर से भी हम काफ़ी चीज़ें एडजस्ट करते हैं। और यहाँ पे मैं CSS अप्लाई कर देता हूँ कि इसका CSS जो कलर है वो हो जाना चाहिए सिंपली रेड। ओके इतना सेव करते हैं और सिंपली इसको मैं रिफ्रेश करता हूं। अब देखिए जैसे भी मैं कुछ भी नहीं लिखा हूं इन दोनों फील्ड में, ना पास यूजर नेम में ना पासवर्ड में, और सबमिट में मैं क्लिक करता हूं, देखिए ये आ रहा है और चला भी जाता है, यूजर नेम मस्ट बी फिल्ड देखिए आ रहा है ये और चला भी जाता है, आता है चला जाता है। लेकिन मैं चाहता हूँ ये ऐसा ना हो, ये प्रॉपरली यूजर को दिखते ही रहना चाहिए जब तक, तभी तो वो चीज़ों को सुधारेगा। ओके और तभी वो सेंसिटिव चीज़ें भेजेगा हमारे पास, अदरवाइज वो अनवांटेड चीज़ सेंड करता रहेगा। तो मैं यहाँ पे इसका रिटर्न क्या कर देता हूँ, रिटर्न ये फंक्शन जो रिटर्न कर रहा है इसको मैं कर देता हूँ फॉल्स। सिंपली मैं इतना सेव करता हूँ, रिफ्रेश करता हूँ। अब देखिए हमारा फॉर्म फील्ड अभी नल है, खाली है, और मैं सबमिट बटन में क्लिक करता हूँ, देखिए ये यूज़र नेम मस्ट बी फिल्ड आ रहा है। ओके ये कहाँ से आ रहा है, इसके अंदर से जो भी हमने लिखा है, और कहाँ पे दिख रहा है, तो यूज़र एरर नाम के डिव में, और जो उस डिव को मैंने जस्ट ईमेल जहाँ पे मैंने यूजर इनपुट टाइप टेक्स्ट किया था उसी के जस्ट नीचे ही इस डिव को मैंने क्रिएट किया था, और ये आप देख सकते हैं डिव क्लास यूज़र एरर। ओके सिंपल है, बहुत सिंपल है, मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ। और देखिए अब मेरे को पासवर्ड में भी बनाना है, मैं चाहता हूँ अगर पासवर्ड भी खाली हो तो पासवर्ड में भी ये एरर आए। ओके यहाँ पे चलिए अपन क्या करते हैं, इसी डिव को अपन एक बार फिर लिखते हैं, क्योंकि हमारे पास पासवर्ड में की वैल्यू पास नाम के वेरिएबल में स्टोर है ऑलरेडी। ओके जो हमने यहाँ से वैल्यू से गेट किया था, तो यहाँ पे आप पासवर्ड के लिए बनाना चाहते हैं या फिर आपके फॉर्म में बहुत सारे फील्ड हैं, ईमेल है, पासवर्ड है, और डेट है, टाइम है, टेक्स्ट एरिया है, तो सभी में आप ये कोड लिख सकते हैं। ओके वैल्यू गेट कर करके, तो ऑलरेडी हमने वैल्यू गेट की है पास नाम के वेरिएबल में। मैं चाहता हूँ अगर ये भी नल हो तो यहाँ पे भी सेम चीज़ें होनी चाहिए, तो यहाँ पे जो मैसेज शो होना चाहिए वो कहाँ पे होना चाहिए, पासवर्ड के जस्ट नीचे। तो पासवर्ड के जस्ट नीचे ही मैं एक डिव बनाता हूँ यहाँ पे, और इस डिव क्लास का नाम लिख देता हूँ PS एरर। ओके और इसको सिंपली इस क्लास को मैं कॉपी कर लेता हूँ, और यहाँ पे मैं इफ के अंदर आऊँगा और यहाँ पे यूज़ करूँगा मैं डॉलर, और डॉलर के अंदर यहाँ पे सेलेक्ट करूँगा उस डिव को जहाँ पे एरर मैसेज दिखाना है, और यहाँ पे HTML मेथड यूज करूंगा, और यहाँ पे लिख दूंगा पासवर्ड मस्ट बी फिल्ड। ओके मतलब पासवर्ड को आपको खाली नहीं रख सकते आप, आपको इसके अंदर कुछ ना कुछ लिखना है। और सिंपली यही वाला कोड मैं इन दोनों कोड को कॉपी करता हूँ यहाँ से, और इसके अंदर मैं पेस्ट कर देता हूँ। ओके सिंपल है, कंट्रोल एस करके मैं सेव करता हूँ, और यहाँ पे मैं रिफ्रेश करता हूँ। अब देखिए अगर मैं इसको भी खाली कर दिया, पासवर्ड को भी खाली कर दिया, और सबमिट किया, दोनों में एरर मैसेज आना चाहिए। अगर मान लीजिए देखिए अभी इन यूज़र नेम में आ रहा है, चलिए यूज़र नेम मैं दे देता हूँ, और पासवर्ड को खाली कर देता हूँ, और सबमिट करता हूँ, देखिए यहाँ पे आ रहा है यूज़र नेम मस्ट बी फिल्ड। ओके यहाँ पे हमने मैसेज चेंज नहीं किया है, यहाँ पे यूज़र नेम नहीं होगा,
पासवर्ड होगा, और यहाँ पे हमने क्लास का नाम चेंज नहीं किया है, तो इस क्लास का नाम पी एस एरर को कॉपी करते हैं और यहाँ पे हम सिंपली पेस्ट कर देते हैं। तो अब इसका कलर भी रेड होगा। देखिए यूजर नेम मैं टाइप कर दिया कुछ भी, पासवर्ड को ब्लैंक छोड़ दिया और सबमिट करता हूँ तो पासवर्ड मस्ट बी फिल्ड बता रहा है। ओके, सो ये सिंपल सिंपल से वैलिडेशन है जिनका यूज करके आप अपने फॉर्म से जो यूजर अपना इन्फॉर्मेशन गेट करता है उससे आप अपने डेटाबेस को बचा सकते हैं अनवांटेड चीज़ों से। ओके, सो आज के लिए इतना ही, और इसके बाद की वीडियो में हम कुछ और भी एडवांस वैलिडेशन देखेंगे और आप देखेंगे कैसे आप अपने फॉर्म को और ज़्यादा वैलिडेट कर सकते हैं जिससे आपके डेटाबेस में नेसेसरी चीज़ें ही आएँ और आपके सॉफ्टवेयर पर ज़्यादा इफेक्ट ना पड़े। सो आज के लिए फिलहाल इतना ही, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।